आ चुकी है जनाब नहर साड़ी असलामुअलैकुम। क्या हाल है? उम्मीद करता कि तुसी सारे ठीक होवोगे। ते अज तकरीबन 10 बज चुके हैं, नाश्ता वगैरह करके असीं ते मैं बाहर निकलिया सीगा। भाई आए है जी। भाई वाह, असलामुअलैकुम। क्या हाल है भाई? अल्लाह पाक दा करम। होर सुनाओ, तू भी सेहत किदां भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। ते अज हैगी जी पानी दी वारी, इतवार आ अज ते मरब्बे नूं जाणा वा अज। वैसे नहर बंद ना हुई हो भाई, पहले नहर ते गेड़ा मारे आई है। पहले मरब्बे जाने तो पहले क्योंकि पानी की वारी आ, देखते हैं पहले नहर च पानी हैगा भी आ कि नहीं। चार पाँच दिन हो गए बंद हुई, हफ्ता ही हो गया बल्कि, है ना? 13 तरीक की बंद हुई है। है जी साडा छोटा जिहा पिंड, पिंड के दो तिना पासे जी पक्की आ। बाद मैनू लगता कि साडा पिंड आ जिथे दो पेट्रोल पंप वा, अपने जाती पेट्रोल पंप राती आ साडे अपने खुद अपने नहीं गए कि कह लो कि पिंड है। एक सामने पेट्रोल पंप वा, ओ सामने आ एक है पेट्रोल पंप। हैगी सड़क जी नहर वालों जा रही है। अगे हैगी स्टाप 247 गाहबे की है, अगे बोर्ड भी लगा हुआ 247 गाहबे रूसीपुर। तो यह आ चुकी है जनाब नहर साड़ी, नहर विखाने हैगी जी नहर। नहर तो बिल्कुल सुकी पई है, नहर तो पहुँच चुके हैं। नहर बिल्कुल सुकी पई आ, पानी बिच है नहीं, पानी की वारी सी। बाकी हम टूल चला के लाना पैना वा। साडा पिंड एक होर चीज़ तो मशहूर आ, वो किस तो जाते हैं थोड़ा मैं विखाना तो नाले पे उस बारे थोड़ा जहा डिस्कस करते हैं। तो अपने असं जोड़ा वा मरब्बे के मोगे तो पहुँच चुके हैं जितों साडे मरब्बे नूं पानी जाता वा। यह है जी छोट मोगा, इत्थे पाइप लगा हुआ जितों अगे पानी खाले दे विच जाता वा। तो यह खाले दे साडे दे हालात चैक करो, साडे जिहड़े आ खाले दे हालात बिल्कुल धुन पवंजा होया भरिया खड़ोता वा। तो यह सैर थानी कि कहें होंगे ना सैर थानी मोगा चल पिया, एक नहर टुट गई कभी कुछ हो गया। यह मिला किसी तरह थले वाड़ के पानी तो अगे जरा जा रहा। तो बाकी थो नहर के हालात चैक करवाना, नहर के हालात जोड़े आ बहुत ही बुरे आ। यह चैक करो हालात, अगों नहर बंद हुई है, पिछों नहर देखो ठीक है खुली है। तो इतों अगे आ नहर देख लो, अगे सिर्फ सिंपल जिहड़ा साडा खाला नहीं अगे मरब्बे नूं जा रहा, इन्ना क रास्ता सिर्फ अगे पानी जाण जोगा। तो बाकी जिहड़ी आ सफाई है तो कोई नहीं, नहरां ते बेलदार फेरदे हुंदे आ ते साडी उह वी कोई नहीं इत्थे मैनूं लगदा है। तो बाकी जिहड़ी आ सफाई तुहानूं चैक करवाई आ, हुण बाकी चलदे आ मरब्बे नूं ते उत्थे जा के जिहड़ा वा फिर काम वगैरह वो करदे आ। असीं लगे सी वापस जाणा ते इह सामने बाग टुट रहा, मैं कहा तुहानूं इह वी विखा दिंदा आ, देखो किन्नो टुट रही आ, इस तरह इतने किन्नों टुटदी है। असं जा रहे हैं वापस, जिस तरह कि मैं थोड़ा दसिया मैं जाने थोन दस दवा कि साडा पिंड किस चीज़ तो मशहूर आ, कादे तो मशहूर आ। एक तो साडा पिंड 247 बागाली के नाँ तो बहुत मशहूर आ। दूसरे नंबर पर इतने एक स्कूल सीगा मरूसीपुर स्कूल, वो हैगा 1900 तो कुछ का बनया हुआ, बहुत पुराना स्कूल आ, एक उस तो मशहूर आ। दूसरे नंबर पर बागाली तो मशहूर आ। तो ये थोन मैं विखाना वा, जिधर भी वेखोगे ये बाग ही बाग थो नज़र आने हैं। असं आए थे, मैं चलो थोन दस दिखा दिना वा, मेन सड़क आ तो यह नाल ही है, इधर भी बाग आ, बाई खड़े आ भी बाग ही पिछे सारे। यानी कि साडा पिंड ये जिन्हें भी घर वा हर घर के कम से कम जे अगर 10 किले आ तो 10 दे 10 बाग दे ही आ। यानी कि सारा पिंड हैगा वा बाग, बाग ही लाया वा, बाकी काश्तकारी भी होंगी है लेकिन वो कम ज़्यादा जी बाग दी है। नहर तो मार के असं गेड़ा वापस आ चुके हैं, तो इतने मरब्बे आए हैं, अबू पट्ठे वढ़ रहे हैं। तो अबू नूं पुछते हैं ऐद कि हुण पानी का की करना वा, बाकी सब्जी वगैरह थोड़ा मैं पहले भी शायद विखाई है। तो पानी पट्ठे वढ़ लाए अबू ने, पट्ठे लिया के जाने हैं, उस तो बाद पानी का अबू जी अज की करना है पानी चलावे हजे 4 दिन लाना कहनू कणक नू तो मिला था 3 पानी लगते सिर्फ नहीं कणक नू 4 पानी जे लोड़ पै जाए तो 5 भी लग जाए सही। बाकी फिर पट्ठिया पुठिया नू वो तो फिर सिंपल जिहड़ा वा लगदा ही रहना वा हफ्ते बाद 15 दिन बाद। गर्मियां नू इन्हां नू बहुत ही टेंशन हुंदी है, गर्मियां नू हफ्ते बाद लाजमी हुंदा पट्ठे पाने फिर निकलते हैं वापस।
मैं आ गया सीगा हुण मैं चला सीगा दूसरे मरबे टांडे लैण क्योंकि टांडे मैं विच कुतर के पाना हुंदा तूड़ी है नहीं गी पट्ठियां दे विच तूड़ी दे तौर ते टांडे इस्तेमाल करदा हुंदा इत्थे पए हुंदे अगे तुहानू पता ही होणा विच मैं कुतर के शहर कुतरदियां तुहानू विखाए सीगे ते उस तों बाद हुण मैं जाणा सीगा उधर मरबे छोटे भरा नूं भेजिया होया सी पट्ठे पाउण लई लेकिन बिजली बंद हो गई है बटन वी नप्पिया बिजली बंद हो गई ते मोटर जिहड़ी आ पट्ठे अज नहीं कुतर होणे हाथ ना कुतरने पैने आ मैं क्या चलो जांदे जांदे आ वी तुहानू विखा दिंदे आ उस तों बाद जिहड़ा वा फिर आपां चलदे आ टांडे लैण ते पहले पट्ठे कुतर लईए आपां ਪੱਠੇ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਜੋਗੇ ਮੈਂ ਕੁਤਰ ਲਏ ਆ ਬਾਕੀ ਅੱਧੀ ਪੰਡ ਕੁੱਤਤੀ ਅੱਧੀ ਕੁ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਕੁਤਰ ਲਾਂਗੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮਰੱਬੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਟਾਂਡੇ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਲਓ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਪ੍ਰੈਂਕ ਆਏ ਅਸੀਂ ਸੀਗੇ ਟਾਂਡੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਟਾਂਡੇ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟਾਂਡੇ ਆ ਸਾਰਾ ਡੇਢ ਦੋ ਕਿੱਲੇ ਟਾਂਡਿਆਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਟਾਂਡੇ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੂੜੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਆ ਕਿ ਤੂੜੀ ਦੀ ਪੰਡ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲਿਆਉਣੀ ਪੈਣੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਚਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ ਚਲੋ ਯਾਰ ਵਾਪਸ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਲਓ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡੋਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਚਾਨਕ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਹੁਣ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਆ ਅੱਖਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੁੱਜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਥੱਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਫੁੱਲ ਐਂ ਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸੁਬਹਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਵਾ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਆ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਇਹ ਭਾਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਛੜੀਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਤੇ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ 5-7 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦਿਨ ਕੈਸੇ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਘੱਟ ਰਹੇ ਆ ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਭਾਅ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਜੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਦਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਨਿਮਤ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਆਪਣੀ ਨਵਾਜ਼ ਰਿਹਾ ਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਸੁਣੇ ਯਾਰ ਭਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸੁਬਹਾ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਵਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਸੁਬਹਾ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਵਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ